हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इस फ्रैक्शन को किस में करना, असेंडिंग ऑर्डर्स में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, बड़े से छोटी की ओर, मतलब इस छोटे से बड़े की ओर, सॉरी बिगर टू ग्रेटर की ओर, ठीक है। ओह स्मॉलर टू ग्रेटर की ओर क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर, मतलब स्मॉलर टू बिगर की ओर, ठीक है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। यहाँ देखो 2/11 है, 8/11 है, 7/22 है और 3/33। जब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो हमारे डिनोमिनेटर जो ये नीचे वाले हैं ना, डिनोमिनेटर ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और सेम होने के लिए हम कब ये कब सेम होते, इनको हम एलसीएम से सेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर 11, 11, 22 और 33, तो इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 11, 11, 22 और 33 का अगर एलसीएम लेंगे हम, तो पहले तो 11 2 से जाएगा, सॉरी 11, 11 ऐसे रहेगा, 11 ये 33 ऐसे रहेगा, फिर 3 से जा रहा है, 11 ऐसे रहेगा, 11 ऐसे रहेगा और 33 11 रहेगा। अब 11, अब देखो 2 3 जा 6, 11 11 6 जा 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66। तो हमारा अब एलसीएम हमारा आ गया 66, ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर आप सबके लिए, हमने एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है इसको सबको इक्वल करना होता है, क्या करना होता है, इक्वल। अब हमारा डिनोमिनेटर आ गया 66। अब देखो इस 11 से पहला वाला फ्रैक्शन देखो, ये है 2/11 है, 11 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 सिक्स जा कितने टाइम जा रहा है, सिक्स टाइम जा रहा है। अगर आप 11 से 66 को करेंगे तो क्या, 11 सिक्स जा 66 डिवाइड किया, फिर इंटू करते हैं न्यूमिनेटर को जो उसका फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट है, कितना 2, ठीक है बराबर। अब दूसरे वाला, इसका भी डिनोमिनेटर हमने 66, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने एलसीएम करके इक्वल कर दिया सबके। अब 11 के इससे करेंगे, ये भी कितना जाएगा, सिक्स टाइम जाएगा इंटू 8, ठीक है। अब फिर इसका भी डिनोमिनेटर तो सेम कर दिया, ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जा रहा है, 3 × 7, और ये अब इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, 33 से देंगे तो 2 टाइम जा रहा है इंटू 3। अब हम देखेंगे 62 जाए कितना हो जाएगा, 18/66 हो जाएगा, एक ये 48/66 हो जाएगा, और ये 7/3 21/66 हो जाएगा, और 2/3 6/66 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम करके हमने निकाल दिया। अब हमें डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अब ऊपर वाला देखते हैं न्यूमिनेटर सबसे ग्रेटर या सबसे छोटा किसका है, असेंडिंग ऑर्डर करना सबसे छोटा, तो ये क्या सबसे छोटा हमारा ये है। तो अब हम इसको असेंडिंग में कर सकते हैं, अब असेंडिंग में कर रहे हैं हम इसको, तो सबसे छोटा 6 है तो 6, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। अब फिर दूसरा क्या है, 18/6, तीसरा हमारा 21/66, और फिर 48/66। तो ये क्या हो गया हमारा, किस में हो गया, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। अब हम देखेंगे भाई ये नंबर, अगर हम नंबर्स को देखेंगे तो सबसे छोटा 6/66 किसका आ रहा, 6/66 लास्ट वाले का आ रहा, तो सबसे छोटा क्या होगा, 3/33 होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या आया हमारा, 18/18 किसका आ रहा, फर्स्ट वाले का आ रहा, तो 2/11, ठीक है। दूसरा तीसरा हमारा 21/66 है, तो 21/66 हमारा कितने का, कौन से वाले का आ रहा, तीसरे वाले का आ रहा, तो 7/22 हमारा होगा, और लास्ट में क्या है, 48 हमारा किसका रहा, फर्स्ट वाले का आ रहा, सेकंड वाले का, ये तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर का। इस मीन हम असेंडिंग ऑर्डर 3/33 इससे 2/11, 7/22 एंड 8/11, ये हमारा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर्स हो जाएगा। तो थैंक यू।